राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की दूसरी बड़ी लिस्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। कांग्रेस इन 10 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी बदलने जा रही है। कांग्रेस ने जिन विधानसभा सीटों के टिकट अभी तक होल्ड किए हैं उनको लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। 10 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस दोबारा मंथन करने जा रही है। कौन कौन सी वे विधानसभा की सीटें हैं जहां कांग्रेस पूरा फेरबदल करने वाली है, पूरी अपडेट आपको दी जाएगी। कांग्रेस की जो दूसरी लिस्ट सामने आ रही है उनमें सबसे बड़ा फेरबदल किया जा सकता है सूरसागर, लुआवट, फलोदी, शेरगढ़, सिवाड़ा, शिव, जैसलमेर, चौटन, भोपालगढ़ और नागौर और बाड़मेर में कांग्रेस बड़ा फेरबदल कर सकती है। कांग्रेस किस किस प्रत्याशी को कहां से उतरेगी पूरी अपडेट आपको बताएंगे। कांग्रेस की जो दूसरी लिस्ट अभी तक जिस तरीके से सूत्रों के अनुसार सामने आ रही है, अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक दो दिन में कांग्रेस ये घोषणा कर सकती है। सूरसागर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। वहीं लोआउट से इस बार उमेश सिंह राठौड़ को टिकट दे सकती है कांग्रेस पार्टी। फलोदी से कृष्णा राम विश्नोई को कांग्रेस पार्टी मैदान में उतार सकती है। वहीं शेरगढ़ में इस बार नया प्रत्याशी उतारेंगे, भगवान सिंह राठौड़ का नाम सामने आ रहा है। सिवाड़ा से सुनील परियार का नाम सामने आ रहा है। शिव से अमीन खान को दोबारा टिकट दिया जा सकता है। जैसलमेर से रूपाराम का टिकट कट गया है, मानवेंद्र सिंह जसवाल को मौका दे सकती है कांग्रेस इस लिस्ट के अनुसार। वहीं चौटन से पद्माराम मेघवाल, भोपालगढ़ से अरुण बल्लाई, नागौर से बद्रीराम जाखड़ को मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। बाड़मेर से मेवाराम जैन है। इन लिस्ट को लेकर आप बड़ी अपडेट दे सकते हैं कि कांग्रेस बड़ा फेरबदल कर सकती है इन विधानसभा सीटों को लेकर। अभी तक कांग्रेस ने जिस तरीके से 33 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, उसके बाद कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में इन विधानसभा सीटों में बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। कांग्रेस की ये लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप कांग्रेस की लिस्ट को अगर पूरी तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस ने किस तरीके से फेरबदल किया है। पल पल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको छोटी बड़ी हर खबर से अपडेट किया जा सके।